कोई पहली या आइसोलेटेड घटना नहीं है। वहाँ पे जिस तरीके से महिलाओं को ट्रीट किया जाता है, जिस तरीके से महिलाओं को हॉस्टल में ट्रीट किया जाता है, ये सब उसका एक्चुअली एक आउटबर्स्ट है जो इस आंदोलन में दिख रहा है हम लोगों को। जहाँ पे एक वाइस चांसलर, ऐसा वाइस चांसलर होता है जो बोलता है कि अगर लड़कियां 10 बजे के बाद पढ़ाई भी कर रही हैं और उनको नेट भी अवेलेबल करवाया जा रहा है तो वो इमोरल है। आपका मोरालिटी और इमोरालिटी का सारा जितना भी नोशंस है वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, ये वहाँ के वाइस चांसलर एकदम ब्लेटेंटली बोलते हैं। ये मुझसे पहले कुछ लोगों ने और बताया कि वो किस तरह की समझदारी रखते हैं कि अपने करियर में या अपने भाई के करियर में किसी को चुनना होगा तो आप किसको चुनेंगे। उस ये सब बातें ऑलरेडी मेरे आने वाले लोगों ने बोली, लेकिन कुछ और बातें मैं बोलना चाहूँगी कि एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इट्स अ वेरी फेमस यूनिवर्सिटी, 35